नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं और लगातार मैं आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस की वीडियो लेकर के आ रहा हूं। अभी आप लोगों का जो है 15 अगस्त और साथ ही साथ आप लोगों का रक्षाबंधन का जो त्यौहार था, इस कारण से जो है 2 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। इन 2 दिनों में कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं हुआ है, इस कारण से मैं कोई भी अपडेट वीडियो आप लोगों के लिए नहीं लेकर के आया। आज है आप लोगों का 17 अगस्त और आज जो है बच्चे एग्जाम सेंटर से बाहर आ चुके हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जो है शेयर किया है, तो आप इनको पूरा ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ मैं आपको आज एक और बात सूचित करना चाहूँगा दोस्तों, कि आगे से जो कोई भी अपडेट होगा, आगे नीचे जो मैंने चैनल बना रखा है एमसीजी एकेडमी की, जो ट्रेड टेस्ट आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से बना रखा है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आरपीएफ का आगे से कोई भी अपडेट होगा जल्द से जल्द आप लोगों को उसी चैनल पर उपलब्ध होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जब तक आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, आरपीएफ का जो है आपके लिए नोटिफिकेशन मैं सारा का सारा नहीं भेज सकता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अपडेट मैं उसी चैनल पर करता हूं। ये हमारा एकेडमिक चैनल है, इस पर जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कंपटीशन की क्लासेस, आपके छोटे भाइयों के लिए 8th 9th 10th 11th 12th तक की जो है एकेडमिक क्लासेस भी हम इसी चैनल पर उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो इसके लिए अपने भाई लोगों को भी सतर्क कर देना है। आरआरबी एनटीपीसी और पुलिस की जो कोई भी आप लोगों की लोकल जगह आती है, सर हर एक चीज आप लोगों को जो है तैयार करवाने वाले हैं, इसको बड़े स्तर पर ले जाना और आप लोगों को हमें इसमें सहायता देना होगा। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, आरपीएफ का ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं तो उनमें भी मैं आप लोगों की लगातार मेहनत कर रहा हूँ, इसी प्रकार से ये चैनल और हमारी टीम आपके लिए मेहनत करती रहेगी। तो आप लोगों को दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और ध्यान से जरूर सुनना है, इन्होंने क्या बातें कही हैं, आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और यदि आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, नॉन स्किप किए हुए, ओके? तो इनको पूरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम श्री कृष्ण राजगुरु है। सर, आपका ट्रेड टेस्ट किस दिनांक में था सर? आज था सर 17 अगस्त को। आपका ट्रेड टेस्ट 17 अगस्त को, मतलब आज का ही है ना सर? हाँ सर, आज का ही। सर, आपका ट्रेड टेस्ट, सर आप अपना अनुभव अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहोगे सर? ओके सर, क्यों नहीं। क्योंकि सर दिन प्रतिदिन क्या है, कुछ ना कुछ जो है नया होता जा रहा है या वही करवा रहे हैं, ये सब कुछ अपडेट भाइयों को मिलना तो चाहिए जो लोग घर पे हैं, है कि नहीं सर? हाँ सर जी, तो बहुत बढ़िया। सर इसी कारण से सर मैं सब कुछ जो है प्रत्येक बंदे के लिए सर अभी 22 वीडियो ला चुका हूँ सर, ये 23वां एक्सपीरियंस आपका होगा सर। आप अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छे तरीके से बताना, जिससे आपके भाइयों के एक एक डाउट क्लियर हो जाए। और मैं और इसको क्या है सर, हजारों लोग सुनने वाले हैं, तो एक एक चीज सर अच्छे से बताना। और मैं सभी भाई जो भी सुनने वाले हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं आप सारी की सारी एक्सपीरियंस की वीडियो देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सर आपने मेरी वीडियो देखी थी सर? हाँ सर जी, देखी थी सर। हेल्पफुल रही कि नहीं? हाँ सर, बहुत हेल्पफुल रही सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है इस प्रकार से बोला, क्योंकि बहुत से बच्चे सर हेल्प ले भी लेते हैं लेकिन अपना स्वीकार नहीं करते हैं सर। हाँ सर जी, बराबर है। हाँ बराबर है। तो सर आज का जो 17 अगस्त आज का, तो आप अपना एक्सपीरियंस अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए सर, क्या क्या हुआ, किस प्रकार से क्या क्या करवा रहे थे, बोलिएगा सर। ओके सर। हाँ सर, बिल्कुल सर, सर सर बिल्कुल शुरुआत से बताना है, बिल्कुल शुरुआत से, एकदम शुरुआत से बताता हूँ। हाँ सर, मैंने यहाँ से नासिक से बुलडाना जिला है मेरा, रात को आ गया था यहाँ पे, रात को स्टे किया था। सवेरे 5:30 बजे उन्होंने, उनका टाइम था मॉर्निंग को रिपोर्ट करने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए। हाँ तो फिर सवेरे में 6:15 बजे तक वहाँ पे गया था। हाँ। फिर मेरा दोस्त छोड़ने वाला था लेकिन उसने, वो आ नहीं पाया, उसने दूसरे बंदे को भेज दिया था। हाँ। तो उसने मुझे यहाँ पे आके ड्रॉप कर दिया था। हाँ सर। उन्होंने लगभग 8:30 बजे तक बच्चे अंदर लिए थे। 8:30 तक अंदर लिए थे और 5:30 का समय था। हाँ सर, 5:30 का, वो वैसे सर 10 बजे तक भी बच्चे लेते हैं। हाँ, किसी को वापस भेज नहीं देते घर पे वापस। हाँ सर, क्योंकि ये सब चीजें तो सर बच्चों को क्लियर होना चाहिए, जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं कहीं लेट हो गए। हाँ, तो भगा ऐसे ही है कि नहीं, किसी की ट्रेन में मिस हो जाती है या फिर कोई लेट हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए कोई कुछ बोलते नहीं सर, वो फ्रेंकली बात करते हैं ऐसे। ओके सर, दिक्कत नहीं आती उसमें। हाँ सर। और सवेरे के आने के बाद वो बायोमेट्रिक को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बंदे बहुत सारे होने की वजह से। हाँ सर। तो एक दिन में करीब 500 प्लस बच्चे लेते हैं सर, जैसे उन्होंने बुलाए होंगे वैसे उस हिसाब से। हाँ सर। और एक एक फिर अंदर ले जाते हैं। हाँ सर। के बाद बायोमेट्रिक कर लेते हैं और फिर 14-14 जनों की एक एक बैच बनाते अंदर लेके जाते हैं। हाँ, बना लेते हैं। हाँ, 14-14 की बैच, अभी भी 14-14 के बैच बनना है मतलब सर? 14-14 जनों। हाँ सर। और कुछ नहीं, बस हॉल टिकट अंदर बिठा देते हैं क्लास में, उनका एक दो बंदे आ जाते हैं एक्सपीरियंस वाले। हाँ, मतलब जो लोग, हाँ एक्सपीरियंस वाले आ जाते हैं। हाँ, वो अपना ऐसा मोटिवेट करते रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको दिक्कत नहीं। सर वो शब्द बता सकते हो जिस प्रकार से उन्होंने क्या क्या बोलते हैं सर वो लोग?
सर उनका कहना वैसे ही जो अपन घर पे रोटी पकाते हैं, या बस उन्होंने आज सिर्फ रोटी पकाई थी तो उन्होंने, उनको मालूम होगा शायद पहले से क्या करवाना है बच्चों से आज। हाँ उन्होंने कहा था पहले कि ज्यादा कुछ करवाती नहीं, बस आपको जैसे घर पे प्रैक्टिस की वैसे ही आके बस यहाँ पे आपको ये करना है प्रैक्टिस, और रोटी बना के उनको दिखाना है। और सर हाँ इसमें उन्होंने ना बड़े वाले चूल्हे रखे है, हाँ तो आप क्या दिक्कत हो रही? बताते चलिए सर। तो उसमें क्या दिक्कत हो रही जो बच्चों ने कभी, आज मैंने भी पहला टाइम था लेकिन मैंने उसको आपकी वीडियो देखते देखते उसको एडजस्ट कम ज्यादा करने का मुझे ध्यान में रखा था मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या है, आपको सब कुछ सर, बहुत बच्चों को हेल्प मिलती है, लेकिन सर बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं सर, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते, हेल्प भी ले लेते हैं, कुछ बोलते भी नहीं सर। इससे क्या है, हमारा सर मोटिवेशन थोड़ा कम होता है सर। हाँ सर जी, सब बच्चों को बोलना चाहिए कि सर अच्छा था इस प्रकार से, सही है कि नहीं सर? और को हाँ सर सर, आपको पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैं हर एक वीडियो में क्लियर करता हूँ। जितने भी बंदों का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेज दें, जिससे मैं उनका एक एक क्वेश्चन सभी बच्चों के साथ जो है पुट कर सकूँ, सही है कि नहीं सर? हाँ सर एकदम सही है सर, एकदम सही है। हाँ हाँ सर और बोलिए सर सर। उन्होंने सर 6 बैच, आज हमारे जो 500 लड़के थे ना, हाँ सर उन्होंने से 6 बैच तैयार कर लिए थे। एक एक बैच में मैक्सिमम उन्होंने 70 से 80 बच्चों को डाल दिया था, और एक उनके बैच में चौदह 70 से 80। चौदह अब ये सर नई जानकारी है सर, इससे पहले क्या है सिर्फ 56 बच्चे ले रहे थे, ये आज के लिए नई जानकारी है सर। आज सर हमारे ग्रुप में ना 72 बच्चे थे। आज आपके ग्रुप में 72 बच्चे थे। हाँ सर कोई लेट आ जाता है, कोई जल्दी आ जाता है, तो उस हिसाब से वो एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ सर और जो 14 आगे टेस्ट ट्रेड के लिए 14 14 बच्चों को हाँ आगे भेज देते हैं, हाँ तो वहाँ पे उन्होंने सर 3 4 बड़े बड़े हॉल बनाए हैं। हाँ सर हॉल में अपने को पहले जाने के बाद वो इंट्रोडक्शन तो नहीं, वो खुद का इनको इंट्रोडक्शन देते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ से आए हैं, यानी कि एक तरह से बच्चों को मोटिवेट करता है। अच्छा, वो अपना खुद इंट्रोडक्शन देते हैं वो लोग? हाँ सर बस उनका वो खुद ही देते हैं हाँ कि बच्चों को कुछ अपने छोटे भाई समझ के कुछ ज्यादा करते नहीं है। और आज मैं सवेरे 6:15 बजे पहुंचा था, तो मेरा 11:30 बजे नंबर आया था ट्रेड टेस्ट के लिए। हाँ सर और हमारे बैच में 14 जन थे, उसमें से सिर्फ 2 ही बच्चे सिलेक्ट हुए सर। मैं तो नहीं हो सिलेक्ट हो पाया क्योंकि मेरे मेरे बाजू वाले बच्चे ने, उसके बाजू में जो पकड़ थी और पकड़ के बाजू में जो अपन जो रोटी पकाती ना सर, उसके जो जाली आती है, उसने वो मेरी जाली छीन ली थी। अच्छा सर, तो जाली एक ही है, मतलब दो बंदों पर एक ही जाली है? नहीं नहीं जाली तो सेपरेट थी, लेकिन उसने उधर उसकी जाली देखी नहीं थी सर। उसने मेरे राइट हैंड में की मैंने चूल्हा नीचे रखा वो तवा, तो उसने मेरे राइट हैंड में से वो उठा ली, उसने उसके राइट हैंड से देखने की थी तो उसने देखी ही नहीं। तो तब तक कुछ 5 मिनट में 4 मिनट हो गए थे, लेकिन वो जो आते हैं ना जो अफसर आते हैं अपने चेक करने के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट में पूरे ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं सर, बच्चे कैसे क्या पका रहे हैं, किसकी रोटी फूक रही है या नहीं फूक रही है। हाँ सर तो बस एक राउंड मार लेते, किसी की अच्छी पची हो तो उसको फाड़ के ऐसे उंगली उसको उसमें उंगली डाल के देख लेते हाँ सर एक्सपीरियंस है कि हाँ अच्छी है क्या नहीं, और बस बोल देते कि बस एक लाइन में रोटी लेके हाथ में खड़े हो जाओ, हाँ सर और वो उसी हिसाब से देख लेते और फिर बाहर भेज देते हाँ सर बस सर। और सर आज उन्होंने सिर्फ रोटियां ही पकाई थी, आज उन्होंने ना सलाद कटाया था ना किसी से आमलेट आमलेट बनाया था, आज सिर्फ उन्होंने रोटी पका ली थी। पूरे जितने भी बचते थे 500 प्लस उन सबसे सबसे, रोटियां सर? हाँ पूरे सब सबसे रोटी पका ली थी बस। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आप अपने भाइयों से क्या कहना चाहोगे? क्योंकि सर हर दिन हर बच्चे से एक नई नई चीज सुनने को मिल रही है। आपने सर मेरा पिछला 22 नंबर का वीडियो देखा होगा शायद से, हाँ जो सर बच्चा राजस्थान से है उसका कहना है सर 45 मिनट ट्रेड टेस्ट में ले रहे हैं सर, मैं तो एकदम, लेकिन सर वो ट्रेड टेस्ट दे के आया है तो उसकी बात को अपन झुठला भी नहीं सकते। नहीं सर बराबर है ना, उधर उन्होंने क्या होगा फिर कुछ बच्चे ने पहले सलाद काट के रख दिया होगा, फिर वो कुछ 5 10 मिनट सर आगे पीछे हो जाते हैं हाँ अंदर जाने के बाद, हाँ ये भी आपका कहना बिल्कुल उन्होंने सही पूरे सर। काउंट करके उन्होंने बोल दिए होंगे, या हालांकि उनका ट्रेड टेस्ट कुछ 10 या 12 मिनट ही चला होगा। हाँ हाँ ये भी आपका कहना सही है सर। हाँ सर, तो मेरे बस मेरे भाइयों से ये कहना है कि बस जो जिसकी रोटी फूगी ना सर, हाँ सर उसको फुल मार्क्स दे रहे 40, पूरा पूरा मार्क दे रहे सर 40। मतलब मीन्स 40 out of 14 out of 14 दे रहे हैं सर? हाँ सर 14, उन्होंने उन अफसरों ने तो बोला था जब वो आए थे ना मोटिवेट करने के लिए, हाँ सर जो भी कर ले रहे ना तो उनको उनके रोटी के हिसाब से दे रहे, 35 प्लस से आगे दे रहे। 35 प्लस से आगे दे रहे हैं सर। और और आज सर हमारे ग्रुप में हमारे बैच में से ना आज जो गए थे ट्रेड, उसमें तो उन्होंने 48 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया था, उसमें एक लड़की थी
हाँ और बाकी पूरे लड़के थे। हाँ सर, आपका कोई साथ ऐसा बंदा था जिसका सिलेक्शन हो गया हो सर, जिससे मेरा संपर्क हो सके? हमारे बैच में सर एक का भी सिलेक्शन नहीं हो पा, 14 बच्चों का जो था, इसमें से एक का भी नहीं हुआ एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा सर? हाँ सर, कुछ कुछ बच्चे पहले बार ही आए थे, वो हाँ हालांकि सर, उन्होंने पहले वहां पे रोटियां वो पूरा कर रखा था उन्होंने, हाँ आटा गिटा गूंथ के रख दिया था, सिर्फ रोटी बनाने की थी। तो कुछ बच्चे पहले बार ही आए थे, एक दो जन का तो गैस उन्होंने बड़ा कर दिया, तो इतना बड़ा हो गया, उसने आके वो अफसर ने आके उसको झाप भी दिया था, ये क्या कर रहा बोले तो। नहीं, तो हाल ही बार भी निकाल दिया उनको। बाहर नहीं निकला सर, सिर्फ ऐसा डाटा था, सिर्फ बस मात्र डाटा था बस डाटा लिया था, डाट दिया था, बाकी कुछ नहीं किया था। ऐसा। और सर एक बात और बताइए सर, वहां पे मर सर मतलब कैमरे वैमरे ले जाने दे रहे हैं सर अंदर, मतलब वीडियो वगैरह हाँ ले सर, सक लेके जा रहे हैं सर, कुछ नहीं बोल रहे हो। वीडियो बना सकते हैं अपन? हाँ सर, बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं सर। तो मेरा सभी भाइयों से यही कहना है, जिन लोगों का आगे जो ट्रेड टेस्ट है, थोड़ा सा वीडियो वीडियो बना करके भेजें, क्योंकि सर मैं तो सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, बच्चों के जो कोई भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करवाता हूँ। थोड़ा बहुत सर आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में यदि जानकारी हो थोड़ा बताइएगा सर। हाँ सर, डॉक्यूमेंट्री उन्होंने 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट मांगा था, और अपना ग्रेजुएशन का जहाँ से अपन ये कॉलेज छोड़ देते हैं उसकी टीसी, तो हाँ कॉलेज की टीसी और हाँ यदि अपन किसी कॉलेज में एडमिशन लिया हो तो वहाँ का वो बोनाफाइड मांगते हैं कि अपन क्या आगे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या मांगते हैं सर? बोनाफाइड सर्टिफिकेट। यदि अपन किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे ना अभी भी, तो हाँ सर, कुछ तो प्रूफ, ऐसा कुछ ना कुछ प्रूफ मांगते हैं वो। यदि वहां का सर आईडी कार्ड हो तो चल जाएगा सर? हाँ सर, चल जाता है सर। हाँ वही आईडी कार्ड बोनाफाइड ही होता है सर। अच्छा, तो ऐसे सब कुछ मतलब वो चीजें भी मांगते हैं कि यदि आप पढ़ रहे हो तो उसका भी आईडी होना चाहिए। कल हाँ सर, और कल एक बच्चे ने बोला था कि 10वीं सर पास ट्रेड सर रैंकिंग 16 तारीख रैंकिंग को चाहिए ट्रेड टेस्ट चल रहे थे क्या सर? क्या सर। 16 को ट्रेड टेस्ट थे वहां पर सर नासिक में? हाँ 16 नहीं सर, मैंने यहाँ पे आए एक जन को पूछा था, तो बोल रहे थे डॉक्यूमेंट एक खादा कम भी कभी रहा ना, तो हाँ 10-15 दिन में बोलते हैं कि आप अरेंज करके हमको इसको प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ हाँ 15 दिन का समय देते हैं, मतलब सर, 15 दिन का समय दे रहे हैं सर। और सर एक बात और मुझे पूछना है सर, यदि आपका वहां तक था तो सर थोड़ा अंदर का मुझे सब कुछ सिस्टम बताइए सर। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं सर, वो जो ग्रुप सी वाले हैं, वो उनसे कहते हैं सी और डी का कब आ रहा है, जब कभी भी आएगा मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा उन लोगों से, वो कहते हैं नाई का वीडियो इसका वीडियो, अरे सर इनका जब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं, मैं झूठा और फेक कैसे डाल सकता हूँ, सही कि नहीं? सर वही ना सर, बच्चे एक ही वीडियो में तय कर लेते हैं फेक ही क्या है, पूरा हाँ देखते, कंटिन्यू देखते नहीं सर लास्ट तक। हाँ वही तो मैं बोलना चाहूंगा, जितने बच्चे देख रहे हैं उन लोगों का जब कभी भी होगा तो मैं जल्द से जल्द तुझे बता दूंगा। हाँ सर, और सर आप अपने भाइयों से कुछ कहना चाहोगे सर, इसको जो है ऑल इंडिया लेवल पर सभी लोग सुनने वाले हैं सर? बस सर एक ही कहना चाहता हूँ, जो वहाँ पे जो आटा गूंथ कर रखा होगा ना, तो वो पहले देख लेना था, देख लेना है, क्या? कोई कोई बच्चे जो आटा गूंथ के रख देते हैं ना वो हाँ बनाने के लिए, तो कोई हाँ कोई बच्चे पहले जो जाते हैं ना वो हाँ इतना कड़क बना देते हैं, क्योंकि एक दो बार बैच चले जाने के बाद उसको ऐसा कैसा बहुत ही हार्ड, ऐसा हार्ड बना आ जाता है सर। हाँ अच्छा, वो कर रहा हो कठोर हो जाता है। सर, कठोर हो जाता है, तो इस वजह से सर वो जो रोटी पकाते हैं वो 5 मिनट में उसको फिर से नरम करने के लिए पानी, थोड़ा सा पानी डालने के बाद भी वो नरम नहीं हो जाता सर, और ऐसा तब तक ही वो 5 मिनट चले जाते हैं। हाँ सर। सर, और कुछ कहना चाहोगे सर वहां के एक्सपीरियंस के बारे में, मीन्स यदि आपको गैस वैस के बारे में कुछ, बर्तन इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार के थे? नहीं सर, अपने पूरे नॉर्मल थे सर, जैसे अपन घर में रहते ना वैसे, और जो भी अपन अंदर जाते हैं ना वो पहले जाने के बायोमेट्रिक करने के बाद 3 से 4 घंटे लग जाते हैं सर ऐसा टेस्ट के लिए, तो कुछ खाने के लिए कुछ फ्रूट वगैरह ले जाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तब तक एनर्जी उसको वहाँ पे अच्छी रह जाती सर। हाँ, हाँ, जिससे घबराहट ना हो। घबराहट ना हो। हाँ हाँ सर, सर बहुत बहुत हाँ धन्यवाद सर, आप जो है अपना कीमती समय अपने भाइयों को दे रहे हैं सर। कुछ और बोलना चाहोगे आप? नहीं सर, ओके, बाकी कुछ भी नहीं सर, बस जिसकी रोटी फूक गई ना सर, हाँ खुल सर, जाती है ना, वो हाँ 100% आज उसका ये आ जाता है सर, मेरिट लिस्ट में नाम। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ सर, सर आपका जो वीडियो है आपको 5:30 पर मिल जाएगा, 5:30 पर सर आपको एमसीजी एकेडमी ग्वालियर पर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, धन्यवाद।